हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। उस मांडवी बीच के खूबसूरत से नज़ारे को एक्सपीरियंस करके अगले दिन हम लोग निकल पड़े थे थीबा पैलेस एंड थीबा पॉइंट को एक्सप्लोर करने। सो वी आर देयर, वी हैव रीच्ड थीबा पैलेस। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक ये इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, सो दैट यू नो इट विल हेल्प यू ऑफ इफ यू आर प्लानिंग हियर टू विजिट। सो ये देख लेना, ये पर्टिकुलर टाइमिंग है, इसी टाइमिंग के भीतर आ जाना। एक्चुअली वी आर लेट नाउ, 5:30 तक ही होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और इट्स 5:57 राइट नाउ। तो बंद हो चुका है अंदर म्यूजियम, लेकिन देख लो ये दिखता कैसा है। सो थोड़ा एक 20 मिनट्स का लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं। चलो अभी इतना आई है तो 3-4 फोटो ले ही लेंगे यार। क्या ही है सी। काफ़ी बड़ा ऐसे लॉन टाइप है यहाँ पे और बहुत बढ़िया है। आज तो स्काई भी बहुत क्लियर है, ये देखना। सो ये थीबा पैलेस करके एक पैलेस था, जिसकी एक शॉर्ट स्टोरी में बता देता हूँ क्या है। म्यांमार का एक राजा था थीबा करके, तो उनको यहाँ पे कैप्टिव रखा गया था। और बहुत शॉर्ट ऐसे मुझे पता चला है चीज़ें, एकदम डिटेल में पता नहीं है, सो डोंट कोट मी ऑन दिस। बट उनको यहाँ पे कैप्टिव रखा गया था और उनके लिए ये पूरा पैलेस बनवाया गया था। अब वो क्यों रखा, क्या रखा, उसकी स्टोरी हमें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये था थीबा पैलेस। तो चलो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। रुको रुको, तुम्हारा भाई है, सब बता देगा। 1910 में ब्रिटिश ने ये पैलेस थीबा राजा के लिए कंस्ट्रक्ट किया था with the help of Burmatic wood and laterite stones, जिसे हिंदी में जांभा पत्थर भी कहा जाता है। ये पैलेस एंड इसका सराउंडिंग टोटल 27 एकर्स में फैला हुआ है, एंड इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस वक्त के नियरली अराउंड 1,70,000 रुपीज खर्च किए गए थे। इस पैलेस से आपको mesmerizing व्यू देखने मिलता है ऑफ भाटे ब्रिज एंड अरेबियन सी। आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट थीबा राजा डाइड एट एन एज ऑफ 57 इन 1916। ये पैलेस आज भी थीबा राजा के साथ घटे हुए सारे वास्तवों का जीता जागता उदाहरण है। थीबा पैलेस होते ही हम निकल पड़े थीबा पॉइंट की तरफ। सो अभी एक्चुअल हम लोग जा रहे हैं थीबा पॉइंट पे, और ये रहा यहाँ पे ये एंट्रेंस है थीबा पॉइंट के लिए का। काफ़ी बढ़िया पॉइंट है यार, मतलब ये रत्नागिरी में आके मिस करने का कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू प्लान टू विजिट रत्नागिरी, तो थीबा पॉइंट ज़रूर आना। देख के मेस्मराइजिंग एकदम प्लेस है, आपकी जितनी भी मतलब जितना भी कुछ स्ट्रेस रहेगा या फिर जो भी कुछ चीज़ें रहेंगी ना, ये सीनरी देख के ख़त्म हो जाएगी।
ये देखो एकदम परफेक्ट ऐसा मतलब माहौल है यहाँ पे, और हम लोग अभी सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आ चुके हैं। सो बहुत बढ़िया वेदर है और विंडी नहीं है ज़्यादा, प्लस मतलब अभी जून का महीना शुरू है तो बारिश भी नहीं है। सो थैंक्स टू गॉड, क्योंकि नहीं तो फिर हालत हो जाती, फिर विज़िट करने नहीं मिलता, बट तकदीर में लिखा हुआ है तो फिर होगा, ज़रूर होगा। सो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रखा है। सो यहाँ पे गार्डन्स भी है, ये देखना यहाँ पे। ये एक उन्होंने फाउंटेन यहाँ पे है एक्चुअली, वो शाम को 8:30 तक ये थीबा पॉइंट चालू रहता है। सो आप यू नो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट, डू विजिट। जो भी लोकल हेड्स हैं उनको पता रहेगा ये सारी चीज़ें, अगर आपको नहीं पता है तो यू नो ये जो जो मैं पर्टिकुलर वीक के दौरान जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो डू विजिट डेफिनेटली, यू नो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत मतलब बहुत, बिलीव मी। सो एक्चुअली अभी बारिश एकदम जोरों शोरों से आ गई है, ये देखना। तो इसीलिए रुके हैं अभी, एक्चुअली रेस्टोरेंट में जाने का प्लान था, सारे पॉइंट्स देख के जितने भी थे वो हो गए आज के, जितने प्लान थे वो, और इसीलिए भगवान का शुक्रगुजार है हम लोग कि पॉइंट्स तो एटलीस्ट हम लोग को पूरे देखने मिले, नहीं तो फिर मूड ऑफ हो जाता। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा बारिश रुकने के बाद ही फिर हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में, टिल देन वी हैव टू वेट। वी आर डन जस्ट विद द डिनर, और होटल हर्षा करके एक है, बहुत बढ़िया होटल है, बहुत टेस्ट भी बढ़िया है, एंड यू नो बहुत मज़ा आया। सो वी हैड एन प्रोडक्टिव डे, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि काम भी हो गया, घूमना भी हो गया, बाहर डिनर भी हो गया, यू नो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और अभी इतना मतलब बारिश भी रुक गया है, सो अभी फटफट घर पे पहुँचना है। वी एन्जॉयड आर टाइम। सो आज हम लोग ने थीबा पैलेस, थीबा पॉइंट, ये सारी यू नो प्लेसेस को विज़िट किया। भाटे बीच भी हम लोग गए थे लेकिन इतना एक्सप्लोर करने नहीं मिला, तो कोई नहीं, लेकिन इफ़ यू आर अराउंड डू विजिट दिस प्लेसेस, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ घर जाना है। सो यू नो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो राइट ओवर हियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद दैट सेट, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, और मिलेंगे जल्दी। एवरी सैटरडे एट 9:30 AM अपना वीडियो आता है, गिव अ वॉच, कमेंट डाउन करके बताना वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अपना ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, शबा खैर, बाय बाय।